तो गाइस मार्वल मूवीज का अपना एक स्टाइल है जो कि है ऑडियंस को हंसाना, हैरान करना और अगली मूवी की थोड़ी सी झलक दिखा के भाग जाना। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर इस स्टाइल से दूर नहीं रहा। जब से हमने पहली आयरन मैन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी को देखा है, तब से मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन्स हम फैंस को आने वाली मूवीज की झलक दिखाते आ रहे हैं। और आज 10 साल और 18 मूवीज के बाद भी ये रीत चली आ रही है। तो सवाल ये है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें कितने पोस्ट क्रेडिट सीन दिखे, किस सुपर हीरो की बात हुई और अब आगे क्या होने वाला है। तो चिंता नहीं, इस वीडियो में इसी बारे में बात की जाएगी। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो जब पोस्ट क्रेडिट सीन की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि बिना मूवी देखे आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो पहले आप इस मूवी को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एक पारिवारिक मूवी होने के साथ साथ एक सामाजिक मूवी भी निकली, जिसमें थैनोस अपने परिवार के एक मेंबर को कुर्बान करके पूरे समाज के आधे लोगों को गायब कर देता है। पर लोगों को गायब करना बिल्कुल रैंडम यानी निष्पक्ष था, जिसकी वजह से आधे हीरोज गायब हो गए और आधे हीरोज बाकी रह गए। पर हद तब हुई जब ये गायब होना चलता रहा पोस्ट क्रेडिट सीन में भी। तो चलिए पहले बात करते हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हुआ क्या। सबसे पहली बात कि इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है और कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन भी हमें धीरे धीरे चलते हुए क्रेडिट्स के बाद देखने को मिला। तो क्रेडिट्स के बाद हमने देखा निक फ्यूरी और मारिया हिल को एक एसयूवी में, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि वकांडा में जो लड़ाई हुई वो न्यूयॉर्क वाली लड़ाई से भी ज्यादा बड़ी थी। तो यहाँ न्यूयॉर्क वाली लड़ाई एबनी मॉक कलोक्सीडियन वर्सेस आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वांग वाली लड़ाई है। तो अचानक एक गाड़ी स्किट होकर उनकी गाड़ी के आगे आ जाती है, पर जब हिल गाड़ी के अंदर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। और तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर आसमान से गिरता हुआ एक बिल्डिंग से जा टकराता है। तो जैसे ही निक फ्यूरी लोगों को इधर उधर भागते हुए देखते हैं, तभी मारिया हिल मूवी के बाकी सुपर हीरोज की तरह डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है। और ये देखते ही निक फ्यूरी तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं और बैक सीट पर एक पेजर जैसी चीज निकाल के उसका बटन दबाते हैं। पर तभी उन्हें समझ आता है कि वो भी गायब हो रहे हैं। पर जैसे ही वो गाली देते हुए गायब हो जाते हैं, तभी वो पेजर जैसी चीज नीचे गिरती है जिसपे पहले लिखा होता है सेंडिंग। और तभी उसके बाद हमें एक गोल्ड स्टार दिखता है ब्लू और रेड कलर्स के साथ। मूवी खत्म, थैनोस विल रिटर्न। तो इसका मतलब क्या है? ये साइन इंडिकेशन है कि फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल को बुलावा भेजा है। तो सवाल ये उठता है कि कैप्टन मार्वल कौन है? कैप्टन मार्वल एक क्री हाइब्रिड सुपर हीरो है जिससे अभी तक हम नहीं मिले, पर अभी हमें इतना तो पता ही है कि रेड ब्लू प्लस एक गोल्ड स्टार उनका सिंबल है। बेसिकली कैप्टन मार्वल के बारे में हमें और अच्छे से पता चलेगा 2019 में आ रही कैप्टन मार्वल मूवी में, जिसमें कैप्टन मार्वल यानी कैरल डेनवर्स का रोल प्ले कर रही है ब्री लार्सन। ये मूवी पहली फीमेल लेड मार्वल मूवी होगी। हालांकि आने वाली एंटमैन द वॉस भी एक फीमेल लेड मूवी है, पर उस मूवी का मेन फोकस एंटमैन पर होगा। तो चलिए इस कैप्टन मार्वल की आने वाली मूवी के बारे में कुछ बात करते हैं। ये मूवी बेसिकली 90s के टाइम पर बेस्ड होगी, जिसका हिंट हमें इस बीपर से मिल सकता है। तो अगर हम टाइम में पीछे जाएंगे तो हमें यंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यंग निक फ्यूरी, यंग फिल कोल्सन, और इन सबके साथ हमें रोनन द अक्यूजर भी दिखेगा। 2016 की वल्चर इंटरव्यू के दौरान एमसीयू के बॉस केविन फाइगी ने कहा कि कैप्टन मार्वल अभी तक की सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, उसकी पावर्स ऑफ द चार्ट्स होंगी। तो अब हम समझ सकते हैं कि निक फ्यूरी क्यों कैरल डेनवर्स को याद कर रहे हैं। तो गाइस ये थी वीडियो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। कैप्टन मार्वल भी हमें ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक नई दुनिया दिखाएगी। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस मूवी से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से क्या लोगों का गायब होना हमें आने वाली मार्वल मूवीज में दिखता रहेगा या नहीं। ऊपर से लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और ऑसम सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आपको कैरल डेनवर्स की कैप्टन मार्वल के बारे में और जानना है तो मैं आपको हमारी हुईस कैप्टन मार्वल वीडियो रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।